हेलो एवरीवन। सो कनाडा के 2 महीने बाद मैंने अपनी फर्स्ट कार ले ली है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कार मैंने कौन सी ली है, क्यों ली है, इसके फीचर्स क्या है और मेरी इंश्योरेंस कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ आने के बाद मैं 3 कार्स के ऑप्शंस देख रहा था। फर्स्ट वाज Hyundai Elantra, सेकंड वाज Honda Civic एंड थर्ड वाज Toyota Corolla। तो ये तीनों ही कार कॉस्ट इफेक्टिव हैं, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको कार 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए रखनी है तो दे आर वेरी गुड लो मेंटेनेंस कार्स। अब मैंने Toyota Corolla क्यों ली, इसका रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि ये जल्दी अवेलेबल थी। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली कार बुक कराने जाओगे तो एटलीस्ट आपको 4 to 6 months की वेटिंग मिलेगी, और अगर आप थोड़ा हाइब्रिड कार की तरफ जाते हो तो आप शॉक हो जाओगे कि यहाँ पर उसके लिए 2 साल की वेटिंग है। तो ये कार मुझे लकीली 1 महीने में ही मिल गई। तो मैंने ये कार फाइनेंस कराई है। कार जब आप कनाडा में लेने जाते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग। लीजिंग इज़ लाइक रेंटिंग अ कार, एंड फाइनेंस की आप उसे बाय कर रहे हो। तो प्राइसिंग ना बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और बहुत ही ईजी है। कार की फाइनेंसिंग ऑप्शंस देखने के लिए आपको तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है toyota.ca की वेबसाइट पर, उस पर आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करना है एंड बिल्ड इन प्राइस में जाके आप वहाँ छोटा सा कैलकुलेटर होगा उस पे जाओ, क्लिक करो और लिखो कि आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी है। आपका रेट ऑफ़ इंटरेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। मेरे को उतना ही रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मिला था, 4.99%, और उस हिसाब से ईएमआई की कॉस्ट आ जाएगी। ये ध्यान रखना कि उसमें आप इंक्लूड टैक्सेस के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक कर देना। तो मेरी जो ईएमआई आ रही थी वो आ रही थी अराउंड $350 पर मंथ, बट मैंने उसमें एक एडिशन लिया जिसकी कॉस्ट मुझे अराउंड $20 पर मंथ एक्स्ट्रा पड़ी, जो थी एंटी रस्टिंग की। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको करानी है या नहीं करानी है। तो कार में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उनमें से एक फीचर है लेन असिस्ट का। सो लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। तो स्टेयरिंग पे आपको ये बटन मिलेगा, दिस इज फॉर लेन असिस्ट। तो जब आप इसको प्रेस करते हो तो आप यहाँ देख सकते हो ये लेन असिस्ट ऑन हो रहा है, LTA टर्न्ड ऑन स्टेयरिंग असिस्ट। तो लेन असिस्ट बेसिकली होता क्या है, इट हेल्प्स योर कार टू स्टे इन योर लेन। अगर आप बिना इंडिकेटर दिए लेन से बाहर जा रहे हो या कुछ भी हो रहा है तो ये आपको स्टेयरिंग पे जर्क देगा और एक वार्निंग नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन पे। सो दिस फीचर बेसिकली हेल्प्स यू इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स। सो इसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। तो ये आप लाइट देख रहे हो ऑन द साइड मिरर, ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट पे अगर आपकी कोई गाड़ी जा रही है तो आपको बताएगा कि आपने लेन चेंज या राइट या लेफ्ट नहीं लेना। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जब आप ड्राइव कर रहे होते हो हाईवेज पे या नॉर्मली भी। सो दिस कार ऑल्सो हैज़ अ क्रूज कंट्रोल, जो कि नॉर्मली काफ़ी कार्स में होता है। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या फीचर है, जब मैं क्रूज कंट्रोल ऑन करता हूँ तो ये बटन आप देख रहे हो, इट हेल्प्स यू कि आपको आगे वाली कार से कितना डिस्टेंस रखना है। ये आप देख रहे हो 3 lights to 1, तो आपको आगे वाली कार से कितना डिस्टेंस रखना है वाइल योर कार इज इन क्रूज कंट्रोल मोड। सो दिस कार ऑल्सो हैज़ अ स्पोर्ट्स मोड। आगे की फ्रंट सीट्स दोनों हीटेड हैं, हीट टेम्परेचर आप लो करना है या हाई करना है दैट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अब इस कार में जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि इसमें मैप नहीं चल सकता, नेविगेशन ऐप इज़ नॉट इंस्टॉल्ड, और आप इसको इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैप चलाने के लिए क्या करना है, ये USB केबल ख़रीदनी है, इसको अपने फ़ोन में मैप चला के कनेक्ट करना है एंड ओनली देन दिस विल मिरर
आपका गूगल मैप्स फ्रॉम फोन टू द स्क्रीन। सो बस यही एक फीचर है जो मुझे इसमें पसंद नहीं आया, रेस्ट ऑल इज ब्रिलियंट एंड अमेजिंग। ये कार में कीलेस एंट्री है, यू जस्ट नीड टू कीप दिस इन योर पॉकेट, प्रेस द सेंसर ओवर हेयर एंड पुल, अरे खुल जा भाई, पुल इट एंड लॉक। एंड इसको लॉक करने के लिए जस्ट क्लोज द डोर, प्रेस द सेंसर, इट्स लॉक। अब आते हैं इसके टायर्स पे। टायर पे आप देख सकते हो M प्लस S का निशान है यहाँ पर, कैन यू सी दिस, M प्लस S लिखा है, इट मींस माउंटेन प्लस स्नोफ्लेक। माउंटेन प्लस स्नोफ्लेक का मतलब है कि ये ऑल वेदर टायर्स है इसमें, ये बेसिकली विंटर समर कहते हैं कि दोनों में चल जाते हैं। आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो आप नॉर्मल ग्रोसरीज लेनी है आसपास, ज़्यादा घूमना फिरना अगर मान लो नहीं है विंटर्स में, तो ये ऑल वेदर टायर ठीक है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप विंटर टायर्स लगवा लो। विंटर टायर लगवाने का एक फ़ायदा ये है कि तो आप हैवी विंटर्स में जो हार्श विंटर्स हैं उसमें भी ईजिली इसको चला सकते हो, एंड सेकेंड आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी जब आप विंटर टायर्स लगवा लोगे। सो कैनेडा में आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट जो है ना, आप जिस एरिया में रह रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे कार थेफ्ट ज़्यादा होते हैं या फिर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब भी आप कोटेशन अप्लाई करोगे ना ऑनलाइन, तो वो आपसे आपका पोस्टल कोड मांगेंगे डिटेक्ट करने के लिए कि इंश्योरेंस कॉस्ट उस एरिया में कितनी होनी चाहिए। तो मैंने जो है ऑलमोस्ट 7-8 कंपनीज़ को यार अप्रोच किया था इंश्योरेंस के लिए, मैं आपको यहाँ पर 3 ही बताऊँगा। सबसे पहले बताऊँगा कोऑपरेटर्स का, सो कोऑपरेटर्स पे मैंने अपने डिटेल्स वगैरह सबमिट करी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ना आपसे विन नंबर मांगेंगी कि हम विन नंबर एक कार का यूनिक नंबर होता है, वो डालते ही ना कार के ये जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं जिससे इंश्योरेंस कॉस्ट पे अफेक्ट होता है वो सारे आ जाते हैं। तो जब भी आप कार का विन नंबर बताओगे उन्हें तभी वो इंश्योरेंस कोड देंगे, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो ऐसे भी दे देती हैं। सो आप मैक्सिमम कंपनीज को ट्राई करो जिसमें आपको बेस्ट कोड मिले वो लो। तो बात कर रहे थे कोऑपरेटर्स की, कोऑपरेटर्स ने मुझे कोड दिया था अराउंड $600 पर मंथ का। अब मेरी कार की ईएमआई तो है $370 एंड इंश्योरेंस मुझे मिला $600 का, तो आई वाज रियली शॉक्ड। मैं तो उनसे कुछ बोल ही नहीं पाया, मैंने कहा ठीक है यार कर दो आप। नेक्स्ट मैंने जो है किया डिजार्डेंस से, डिजार्डेंस ने मुझे कोट दिया अराउंड $450 का, एंड फाइनली मैंने इंश्योरेंस लिया आरबीसी इंश्योरेंस से क्योंकि उन्होंने मुझे कोट दिया था $214 का। आई मीन आप देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज है, 600, 450 एंड 214। तो अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप भी आरबीसी से लो, मुझे कोई इनके क्लेम का एक्सपीरियंस नहीं है या मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता जिसे क्लेम का एक्सपीरियंस हो। सो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस इंश्योरेंस लेने से पहले, लेकिन आप जब भी इंश्योरेंस लो मेक श्योर करना कि आप कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज लो। मैंने जो लिया है उसमें 1 million की कवरेज है कॉम्प्रीहेंसिव एंड 500 डिडक्टेबल्स है। सो आई होप कार के फीचर्स और इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ज़रूर आएगी। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड फिर भी आपको कोई डाउट हो यू कैन कॉमेंट बिलो और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।